हे गाइज, यू आर वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट हेल्प इंडिया। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप रियलमी के मोबाइल में नेविगेशन बटन को कैसे हाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास रियलमी का कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल है और आप इस नेविगेशन बटन को हाइड करके स्लाइड फॉर्म जेस्टर यूज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। गाइज, ये जो तीन बटन्स होते हैं ना, ये हमारे स्क्रीन का साइज ख़त्म कर देता है थोड़ा सा। तो आज मैं आपको एक ऐसा सेटिंग्स बताने वाला हूँ जो कि रियलमी के सभी डिवाइस में वर्क करने वाले हैं। आज तक रियलमी का जितना भी डिवाइस लॉन्च हुए हैं सभी डिवाइस में ये ट्रिक वर्क करेगा। और यहाँ पर मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा सेकेंड मोबाइल और इसमें भी हमें एक भी बटन दिखने को नहीं मिलता है। नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ भी कोई बटन्स नहीं हैं। तो अगर आप बिना बटन्स के मोबाइल यूज करना चाहते हैं तो आप अगर आप स्लाइड से इधर स्लाइड करेंगे तो आप बैक हो जाएंगे, आप इस टाइप से बैक हो जाएंगे। ये देख सकते हैं, ऐसे करके आप बैक हो सकते हैं, होम स्क्रीन में आ सकते हैं, रिसेंट टास्क ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप भी नेविगेशन बटन्स को हाइड करके स्लाइड फॉर्म जेस्टर यूज करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सेटिंग्स ओपन कर लीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग्स दिख जाएगी, कन्वीनियंस टूल। तो आप कन्वीनियंस टूल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिख जाएंगे। तो आपको क्लिक करना है नेविगेशंस बटन में, नेविगेशन बटन में आप क्लिक कीजिए। नेविगेशन बटन में क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं स्वाइप जेस्टर फॉर्म बोथ साइड वर्चुअल बटन मोर। अगर आप अभी वर्चुअल बटन सेलेक्ट किए हैं तो आपके पास ये तीन बटन आ रहे होंगे, बैक, रिसेंट और होम स्क्रीन। तो अगर आप यहां पर स्वाइप जेस्टर फॉर्म बोथ साइड को अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं, स्वाइप जेस्टर फॉर्म बोथ साइड को अगर आप सेलेक्ट कर देते हैं तो ये तीनों बटन यहाँ से गायब हो जाएगा और आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर एक भी बटन्स नहीं है। अगर आप यहाँ से होम स्क्रीन में जाना चाहते हैं या बैक होना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको यहाँ से बैक होना है तो आप ऐसे स्लाइड कीजिए, ऐसे करके आप स्लाइड कीजिए, आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। अगर आपको दिखाता हूँ मैं, अगर आपको यहाँ से होम स्क्रीन में आना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्लाइड करना है तो आप ऐसे कीजिए, आप बैक होके होम स्क्रीन में आएंगे। अगर आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन में आना है, जैसे कि हम पहले बीच वाला बटन प्रेस करते थे हम डायरेक्ट होम स्क्रीन में आ जाते थे, अगर आपको डायरेक्ट होम स्क्रीन में जाना है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिए, स्लाइड करते ही आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे इस टाइप से, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। आप ऐसे कीजिए, आप होम स्क्रीन में आ जाएंगे। अगर आपको रिसेंट टास्क ओपन करना है तो आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर ऊपर से नीचे थोड़ा सा स्लाइड कीजिए और आप अपने फिंगर को थोड़ा सा होल्ड कीजिए 2 से 3 सेकेंड, उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से रिसेंट टास्क को क्लियर कर सकते हैं या रिसेंट टास्क देख सकते हैं। तो गाइस, ये था एक छोटा सा ट्रिक जो कि काफ़ी लोगों को पता नहीं था, रियलमी यूजर्स को। तो अगर आपको इस ट्रिक के बारे में पता चल गया है और आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।